Okay guys, in this lecture we will solve one more example based on the errors and approximation. Let's take an example. Find the value of approximate value. Okay. Again, in this question, हम एक function consider करेंगे. Let us consider u is equal to function of x and y. ठीक है? यहां पर हम इस पार्ट को x कंसीडर कर लेंगे और इस पार्ट को y कंसीडर करेंगे. तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x और y के टर्म में ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2y क्यूब की पावर 1 by 5, वेयर यहां पर x क्या है हमारे पास 4, 3.8 की एप्रोक्सीमेट वैल्यू होल नंबर में क्या होगी, इट इज नियरेस्ट टू द 4, देयरफॉर 4. 2.1 किसके नियरर है, 2 के, देयरफॉर y की 2. एंड चेंज इन x अगेन 4, हमने इस पूरे पार्ट को 4 कंसीडर किया है, इसमें ये x पार्ट होता और ये डेल चेंज इन x पार्ट. तो हम इसको लिख सकते हैं x plus change in x is equal to 4 और हमारे पास x क्या है 3 plus और हमने ये is equal to 3.8. हमने इस पूरे पार्ट को क्या लिए रखा है, ये हमारा x पार्ट है, ये हमारा change in x पार्ट है. तो x plus del x is equal to 3.8. फिर से समझते हैं हम इसको, हमने इसको कैसे लिखा है. x इस पूरे पार्ट को मैंने लिखा x plus del x is equal to 3.8 और हमने x की वैल्यू कंसीडर कर रखी है 4. ठीक है, हमने x की वैल्यू को क्या लिया 4, therefore x is equal to 4 plus change in x is equal to 3.8. Therefore, change in x is equal to 3.8 minus 4, that is minus 0.2. ठीक है? Same हम y के लिए अगर हम निकालना चाहें तो इसकी value क्या हो जाएगी, y plus change in y is equal to 2.1 और हमने y की value क्या ले रखी है 2, therefore 2 plus change in y is equal to 2.1. Therefore, change in y is equal to 2.1 minus 2, that is 0.1. Okay, अब हम फिर से वो formula use करेंगे, that is change in u is equal to partial derivative of u with respect to x, change in x plus partial derivative of u with respect to y, change in y. अब हमें इसको differentiate करना पड़ेगा with respect to x, तो इसका differentiation क्या हो जाएगा, 1 by 5 x square plus 2 y cube 1 by 5 minus 1, differentiation of x square is 2x, change in x plus 1 y. अब हम y, इस पार्ट को फिर से y के उसमें डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, therefore 1 by 5 x square plus 2 y cube की पावर 1 by 5 minus 1 into 2 y cube का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा,
टू इंटू थ्री इंटू वाई की पावर 3 माइनस 1। अगर हम इसका रिजल्ट लिखें तो क्या हो जाएगा हमारे पास रिजल्ट, 1/5 x² + 2y³ - 4/5 2x चेंज इन x प्लस 1/5 x² + 2y³ - 4/5 6y² चेंज इन y, यहाँ पर चेंज इन वाई, यहाँ पर चेंज इन वाई छूट गया था, अगेन यहाँ चेंज इन वाई। ओके नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से x² + 2y³ - 4/5 की पावर -4/5 और 1/5 x² + 2y³ - 4/5 इसको हम कॉमन ले लेंगे। तो हमने जब इसको कॉमन ले लिया, स्क्वायर प्लस 2y³ - 4/5, तो हमारे पास वैल्यू अंदर में क्या बचा, 2x चेंज इन x प्लस 6y² चेंज इन y, ठीक है। ओके अब हम क्या करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू रख देंगे क्योंकि हमें पता है एक्स और वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 4 है, वाई की वैल्यू 2 है, देयरफॉर 1/5 4² + 2 × 2³ - 1/5 - 4/5 2 × x 2 × 4 × डेल एक्स, डेल एक्स क्या फाइंड कर रहा, -0.2 इंटू -0.2 + 6y² 6 × 0.1² इंटू चेंज इन वाई क्या है हमारे, 6y² वाई क्या था हमारे पास, वाई इज 2, देयरफॉर 2² और ये हमारा क्या हो गया, चेंज इन वाई। ओके अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1/5 32 की पावर -4/5 - 1.6 + 2.4, दैट इज 1/5 2 की पावर -4 2 की पावर 4, बिकॉज 2 की पावर, इसको हम ऐसे लिखे हैं, 2 की पावर 5 -4/5, तो 5 5 कैंसिल आउट हो गया इंटू 0.8, तो 1/5 2 की पावर -4 इंटू 0.8 दैट इज इक्वल टू 0.8/80। इसको सॉल्व करने पर हमारा रिजल्ट आ जाएगा 0.01। आप सॉल्व करके देख लेना। सॉरी अगर ये पार्ट विजिबल ना हुआ हो तो मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ से हमने क्या किया, इसको कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद हमने ये एक्सप्रेशन यहाँ से लिख लिया था, फिर हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया, एक्स और वाई और चेंज इन एक्स और चेंज इन वाई की वैल्यू पुट कर दिया, एक्स की वैल्यू हमारे पास 4 है, वाई की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो 4² + 2 × 2³ - 4/5 2 × 4 x is 4, therefore 4 × change in x क्या था हमारे पास -0.2, y² 6 × y² × change in y, तो 6 × change in y क्या था हमारे पास 0.1 और y क्या है हमारे पास 2, तो therefore 2² फिर हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया, अगेन ये हमारे पास ये आ गया 1/5 2 की पावर 5 - 4/5 × 0.8 5 5 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा हमारे पास 1/5 2 की पावर -4 × 0.8। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0.01। तो ये हुआ हमारे पास चेंज इन यू की वैल्यू, किसकी वैल्यू, चेंज इन यू की वैल्यू। अब हमें किसकी चाहिए, यू की वैल्यू चाहिए,
तो यू हमने क्या लेट कर रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई क्यूब की पावर 1/5। एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्या था हमारे पास, 4, देयरफॉर 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 का क्यूब की पावर 1/5, ये हो गया 16 प्लस 2 की पावर 3, 8, 8 इंटू 2 16 की पावर 1/5, 32 की पावर 1/5, 32 की पावर 1/5, 32 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 1/5, देयरफॉर 5 5 कैंसिल आउट 2, देयरफॉर द रिजल्ट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज इक्वल टू, वैल्यू इज इक्वल टू यू प्लस चेंज इन यू, दैट इज 2 प्लस 0.01, देयरफॉर रिजल्ट इज 2.01। थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल मैथ्स आई पी यू सिलेबस।